हेलो दोस्तों, मैं हूँ रवि। तो अपने ग्रुप की एक गाड़ी का शीशा टूट गया है आगे का, यानी कि रोडी की वजह से ये शीशा टूटा है। तो वही डलवाने आए हैं, तो कितने का डलेगा? और बोलते हैं ना, वो गैस वाला शीशा डला था इसमें, जो लोकल क्वालिटी का था, थोड़ी सी चोट में टूट जाता है। तो इसमें दूसरा शीशा डलवा रहे हैं, तो इस वीडियो में पता चलेगा आपको कि कितने का ये आया है और कितनी डलवाई लगी है और कौन सी कंपनी का है। सबसे पहले बात करते हैं शीशा टूटा कैसे है। तो यानी कि रोड़ी की वजह से ये टूटा है, यानी कि ट्रक जा रहे थे, उससे रोड़ी निकल के आई है, टायरों के नीचे आ जाती है रोड़ी, तो वही इस शीशा पे लगी है रोड़ी, जिससे ये शीशा पूरी तरीके से टूट गया है। आपने देखा होगा मनोज भाई की ये गाड़ी, आपने पहले यह गाड़ी देखी हुई होगी वीडियो में। तो सबसे पहले अगर शीशा की बात करते हैं, तो शीशा तीन क्वालिटी के बताए थे, यानी कि जो गैस वाला जो इसमें डला था, इसकी प्राइस थी 1200 रुपये। वो बीच में रखा है, ये है सेकेंड वाला, इसकी प्राइस थी 1800 रुपये। और जो डलवाया है ये वाला, इसकी प्राइस है 2400 रुपये। यानी कि ये बता रहे थे कि ये महिंद्रा का है, ओरिजिनल है, इसमें महिंद्रा की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है, और ओरिजिनल बता रहे थे कि ओरिजिनल है, तो वही डलवाया है। जैसे ये निकाला है तो इसमें महिंद्रा का आपको नाम भी मिल जाएगा, ये डला है, और यानी कि ये ओरिजिनल है। तो देखते हैं डलवा के कैसा है, और इसकी जो प्राइस पड़ी है वो 2400 रुपये का आया है ये। तो इसमें ये रबड़ फिट कर रही है, अगर रबड़ की बात करते हैं तो इसकी प्राइस पड़ी है 450 रुपये। जो ये रबड़ है ना, ये भी यानी ख़राब तो नहीं हुई थी, लेकिन इसको भी चेंज करवा रहे हैं साथ में, जिससे एक ग्रिपिंग और एक पकड़ भी एक अच्छी बन जाएगी। तो टोटल प्राइस पड़े हैं 2850 रुपये, यानी कि शीशा और रबड़ के 450 रुपये की रबड़ और 2400 रुपये का शीशा। तो इसको इसमें फिट कर रहे हैं, इसके बाद उस पर लगाएंगे। तो वीडियो देखना आप किस तरीके से लगाते हैं। तो इसमें एक रस्सी डाल के ऐसे रख देते हैं, और वो रबर है वो शीशा के किनारे साइड फिट कर देते हैं, और रस्सी डाल के इसमें ऐसे चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद रस्सी निकालते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा। रस्सी निकालने से क्या होता है कि रस्सी जैसे निकालते जाते हैं, वैसे ही वो रबर है ना, वो फंसती जाती है, उसकी बॉडी के जो वो रहती है ना, वो ग्रिप वगैरह, तो उसमें फंसती रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रस्सी डली हुई है, अब इसको निकालते जाएंगे। रस्सी निकालने के साथ साथ पेचकस से भी यहाँ पर फिट करते हैं, यानी ये दबाते हैं, जिससे बॉडी में ये अच्छी तरीके से चिपक जाता है। आपको दिख रहा होगा ये रस्सी निकाल रहे हैं, रस्सी यानी कि रबर में पहले फिट की जाती है, चारों ओर रस्सी डाल के। रस्सी डालने के बाद फिर इसको चिपकाते हैं, चिपकाने के बाद ऐसे निकालते हैं, तो जो कंपनी की बॉडी रहती है, यानी कि वो पिकअप की बॉडी, तो जैसे रस्सी निकालते हैं तो उसमें ये फिट होती है, यानी कि रस्सी निकालने से उस पर अप्लाई हो जाती है उसकी, मतलब यानी कि बॉडी अंदर आ जाती है और रबर ऊपर हो जाती है उसकी। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा, रस्सी निकालते जाते हैं और वैसे ही ये फिट होती जाती है। तो शीशा गाड़ी में इंस्टॉल हो चुका है। अगर शीशा की बात करते हैं, अगर इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ओरिजिनल भी है। यह शोरूम से नहीं लिया है, यानी कि महिंद्रा के वर्कशॉप से नहीं लिया है, ये दुकान से लिया है। तो 2400 रुपये का पड़ा है। अगर शोरूम की बात करते हैं, यानी कि महिंद्रा वर्कशॉप की, तो वहाँ महंगा पड़ेगा, और थोड़ा बहुत अंतर भी शायद होगा, लेकिन ऐसा अंतर इसमें आप कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। और ओरिजिनल ही है महिंद्रा की, यहाँ पर देख सकते हैं ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पर डली हुई है। और बात करते हैं इसकी क्वालिटी, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये पॉलीथन वाला है, जो बीच में पन्नी लगी रहती है ना, इस साइड में कांच और इस साइड कांच, तो टूटने का कोई भी ऐसा डर नहीं है कि अगर कोई पत्थर लग गया तो, यानी कि वो खरोंच वगैरह इसमें आ जाएंगे, लेकिन ये टूटेगा नहीं। जैसा आप लोगों ने देखा हो गाड़ियों में डला आता है, तो वैसे ही इसकी क्वालिटी है। तो 2400 रुपये का पड़ता है, और इसका जो बीच वाला है जो मैंने बताया था, वो 1800 रुपये का, तो वो भी इसी तरीके का है, तो लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कम है इससे के दिखने में या कुछ भी, यानी कि थोड़ा बहुत कम मिलेगा उसमें क्वालिटी। अगर गैस वाले की बात करते हैं, तो गैस वाला कभी मत डलवाना, डलवाने के लिए डलवा सकते हैं, अच्छा आता है, लेकिन उसमें यही प्रॉब्लम रहती है, अगर कुछ भी कंकड़ वगैरह लगा तो पूरा बिखर जाता है, यानी पूरा टूट जाता है। इस वाले की ये क्वालिटी रहती है कि अगर कंकड़ वगैरह कुछ भी लगा तो पहली बात तो ये टूटता नहीं, अगर टूटता है तो ये खरोंच वगैरह उसमें आ जाती है, यानी कि जो दरार रहती है वैसे आ जाती है, लेकिन ये पूरा टूटता नहीं है, तो उसमें यही खासियत रहती है। बाकी कांच सारे अच्छे आते हैं अपने अपने प्राइस के हिसाब से।
तो आप कोई सा भी डलवा सकते हैं। और अगर हाँ मिस्त्री की बात करते हैं तो 200 रुपये मिस्त्री ने लिए हैं फिटिंग करवाई, यानी कि 2,850, साढ़ मतलब कि 3,050 रुपये लगे हैं टोटल। तो ये गाड़ी आपने पहले भी देखी होगी, मनोज की गाड़ी है, जो अपने मनोज भाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।